चरखी दादरी में लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां, थ्री लेयर सुरक्षा के बीच कैमरों की निगरानी में होगी मतगणना। काउंटिंग के लिए 250 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, सुरक्षा के लिए 400 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। निर्वाचन अधिकारी और डीसी मनदीप कौर ने मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया और बारीकी से तैयारियों का जायजा लेते हुए निष्ठा और निष्पक्ष से काउंटिंग के निर्देश दिए। इस दौरान ऑब्जर्वर की मौजूदगी में कर्मचारियों को रिहर्सल करवाई गई। डीसी मनदीप कौर ने बताया कि कैमरों की निगरानी में सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतगणना करवाई जाएगी। बताया कि मतगणना स्टाफ की ट्रेनिंग का कार्य हो चुका है। काउंटिंग स्टाफ को हमने जो असेंबलीज हैं वो डेजिग्नेट कर दिए हैं और कल सुबह हमारी फाइनल रैंडमाइजेशन होगी जिसमें हम टेबल्स डिसाइड कर देंगे काउंटिंग स्टाफ के, और दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैंने अभी इंस्पेक्शन किया है एंड दोनों एआरओज का काम बिल्कुल सही है, सब कुछ प्रॉपर ड्यूटीज, प्रॉपर बैरिकेडिंग और चाय पानी का इंतज़ाम और एसी पंखे और जो प्रॉपर बैरिकेडिंग होती है और जो एजेंट्स के लिए अलग से आने के गेट्स और हमारे काउंटिंग स्टाफ के अलग से आने के गेट्स और आई कार्ड सबको इशू हो चुके हैं। मतगणना स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वो समय पर पहुंचें और अपने साथ मोबाइल सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न लाएं। वहीं ऑब्जर्वर के अलावा चिकित्सा टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। एसपी पूजा वशिष्ठ ने सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना केंद्रों के बाहर बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी और सुरक्षा के लिए 400 पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। उस दिन डिस्पैच वाले दिन लगे थे, उन्हीं को हम दोबारा से एक्टिव करेंगे। मेन पर्पस इज कि उसके आसपास कोई ट्रैफिक या कोई अनऑथराइज्ड व्हीकल की एंट्री ना हो। साथ में हमारी जो रिजर्व रहेगी, उसके बाद हमने जो आसपास की पार्किंग है, दो पार्किंग हमने आइडेंटिफाई की हुई है, पार्किंग में भी हमारी ड्यूटीज हैं। बेसिकली जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि जो भी आए वो अपनी गाड़ी और पार्किंग में खड़ी करके एंड देन चेकिंग के बाद ऑथराइजेशन के बाद ही आए। देखिए नाके जो है वो ना सिर्फ उसके आसपास जो काउंटिंग सेंटर्स के दोनों एंड पे तो दो मेन नाके हैं, बट हमने ऑल अराउंड द सिटी मिला के ताकि वहाँ पे ट्रैफिक ना हो, डाइवर्जन हो। बहरहाल लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर चरखी दादरी जिले में सुरक्षा के इंतजामों के बीच थ्री लेयर सुरक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना की तैयारियों का जायजा लेते हुए रिहर्सल करवाते हुए दिशा निर्देश जारी किए। मतगणना के दौरान 250 कर्मचारी काउंटिंग के लिए और 400 पुलिस कर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। चरखी दादरी से टोटल न्यूज के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।